आज के इस अपील को उद्धव ठाकरे को देखा और उसका मौजूदा महाराष्ट्र के राजनीतिक उठापटक में क्या प्रभाव होगा? विनोद जी, ये सवाल मुझसे है? जी जी। अच्छा, मुझे लगा शायद ये संदीप से सवाल है, क्योंकि महाराष्ट्र की विशेषज्ञ तो संदीप और बोईटी जी हैं। विशेषज्ञ टिप्पणी के लिए अब आऊंगा आपके बाद उनके पास, आप भी विशेषज्ञ जी। नहीं नहीं, मैं, हम लोग तो देखिए यहाँ से बैठ कर चीजों को देख रहे हैं, हम हो गए राजेश बादल जी, हो गए ओंकारेश्वर जी या नीरेन जी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इन दोनों लोगों को ज्यादा पता है, बिल्कुल स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज एतराज नहीं है। लेकिन हमने जो आज देखा पूरा, मैं एक चैनल पे भी बैठा हुआ था जिस वक्त ये उद्धव जी का संबोधन हो रहा था फेसबुक लाइव पर, मुझे लगता है कि दो चीजें उससे स्पष्ट हुई है मुझे। पहली बात तो कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने तो नहीं जा रहे हैं, वो सदन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को फेस करेंगे, उसमें उनकी जीत हो हार हो अलग बात है, लेकिन वो मुझे ये लगा कि वो बहुमत वाला जो है वो अवसर जो है वो उसको, क्योंकि एक तो उनको एक भरोसा जो उन्होंने आज भाषण दिया है वो सही कह रहे हैं, पांडे जी भी कह रहे, सही कह रहे हैं, और नीरेन भी है, सब लोगों ने कहा कि वो एड्रेस तो अपने कार्डर को, अपने सपोर्ट बेस को उन्होंने किया है, लेकिन साथ साथ उनको ये भी अंदाज है कि जो विधायक गए हैं उनमें कई विधायक ऐसे हैं जो उनके सामने आते ही वो डगमगा सकते हैं, जैसा कि अभी बोटी जी बता रहे थे कि छगन भुजबल के साथ 18 गए थे, 18 में 9 बचे, और ये महाराष्ट्र में हुआ है कि जब वो सदन में आएंगे विधायक तो उसमें से हो सकता है कि कुछ जो है इस बात पर, या और ये भी है कि भगदड़ एम में मचाने के लिए, भाई मेरी आवाज इको हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं कह रहा था कि देखिए ये जो इन्होंने किया है, अब विधायकों के बीच जो बागी विधायक है, रणनीति का हिस्सा है कि अब उनके बीच चर्चा शुरू हो जाएगी जब उद्धव जी तैयार है। ओंकारेश्वर जी म्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ, ये मुझे रिपीट बार बार वो आ रहा है, इको आ रहा है, तो उनके बीच चर्चा ये है छिड़ेगी आपस में कि 34 विधायक में हो सकता है 10 विधायक ये बात शुरू कर दें कि भाई अब उद्धव जी ने कहा है, इतनी पुरानी पार्टी है कि जब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार है, अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार है, तो हमारा क्या झगड़ा है, इस तरह की एक ब्रिकरिंग एक वहां पर उस कैंप में शुरू हो सकती है, ये भी एक रणनीति है। और जिस तरह 4-5 विधायक छोड़ करके आए हैं, 3 विधायक तो वापस लौटे हैं या एक विधायक और खबर आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ विधायक वहां ऐसे हैं जो अनिच्छा से वहां गए हैं या उनको बाद में पता चला कि ये सारा खेल है, तो वो तो इन सबको एड्रेस करने के लिए भी इस जो उनका आज का संबोधन है वो एक रणनीति का हिस्सा है। और जो जो चरित्र है शिवसेना का या शिवसेना जैसी तमाम उन पार्टियों का जिन पर परिवार का वर्चस्व है, वो परिवार से बाहर ना उनका कैडर जाता है और ना उनका वर्कर जाता है और ना ही उनका सपोर्ट बेस जाता है, ये सच्चाई है। और जब भी कोई विद्रोह करता है तो वो फिर किसी दूसरे के हाथ का वो क्या कहते हैं कठपुतली ही बन के रह जाता है, कोई उसकी अपनी बहुत हैसियत बचती नहीं है पार्टी के, और बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ मुख्यधारा की पार्टी से अलग होते हैं लोग तो उनकी हैसियत सामने आ जाती है। कल्याण सिंह का उदाहरण उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, मनप्रीत बादल का उदाहरण ने पंजाब में देखा, राज ठाकरे का महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, जो तो परिवार के ही है, राज ठाकरे का क्या बचा वहां से अलग होने के बाद, और बहुत सारे उदाहरण है। तो इस तरह जो है, तो इसलिए सपोर्ट बेस कैडर वर्कर वो तो उद्धव ठाकरे के साथ ही रहेगा, अब सरकार बचती है कि नहीं बचती है नंबर गेम का सवाल है, राज्यपाल की क्या भूमिका होगी, वो भी कोविड के संक्रमित हो गए हैं। मुझे लगता है कि दो चीजें इसमें और महत्वपूर्ण है, अभी शरद पवार की भूमिका जो है वो बहुत अहम है, इस पर मुझे लगता है संदीप बहुत बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे, क्योंकि शरद पवार राजनीति के बाजीगर हैं, उनका इसमें क्या रोल है, कितना वो सरकार को बचाने में गंभीर है, या वो शिवसेना अगर कमजोर होती है तो वो सारा स्पेस जो है वो एनसीपी ले ले महाराष्ट्र में, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व तो नहीं है, तो वो एंटी बीजेपी स्पेस जो है वो एनसीपी ले ले, ये उनका गेम है, लीडर पोजीशन उनका बन जाए, तो ये सब शरद पवार की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक तो उन्होंने बार बार ये कहा है, शिवसेना का अंदरूनी मामला है, आज उद्धव ठाकरे से मिले भी हैं, उनसे भी उन्होंने बात की है, और खबर तो ये भी आ रही थी किसी पोर्टल पे, मैं देख रहा था कि शरद पवार ने कहा है कि आप एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, कुछ इस तरह की बात की है, पक्की है कि नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी पोर्टल पे मैं पढ़ रहा था तो उसमें ही था। अब अगर शरद पवार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई समझौता कराने में जुट जाते हैं
तो वो एक अलग आयाम होगा इस पूरे मामले का। तो मुझे लगता है हम लोगों को शरद पवार को वॉच करना चाहिए, और दूसरा राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति का जो वो चुनाव है, अब उसमें तय हो गया है कि महाराष्ट्र में जो है खुल करके जो एक ब्लॉक बना हुआ था अपोजिशन का, वो बिखर गया है। सरकार बचे या न बचे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को महाराष्ट्र में एज मिल जाएगी, ये इंश्योर कर लिया है बीजेपी ने। क्योंकि बीजेपी अपने उम्मीदवार को लेकर के किसी तरह का कोई भी कोना, नो स्टोन अनटर्न वाली स्थिति जो है, नवीन पटनायक भी साथ आ जाए, जगन रेड्डी भी साथ आ जाए, महाराष्ट्र भी डिस्टर्ब कर लो, जेडीयू भी आ गया, हेमंत सोरेन भी आ जाए, वो एक इंटैक्ट करके वो भी एक इसके इसके पीछे की रणनीति है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम लोगों को शरद पवार को भी वॉच करना चाहिए। जी।